भाई का लाल, जो अपने से छोटों को जब उनको पता है कि हम ही जा रहे हैं, हमारा चुनाव हुआ है, जामवंत भी हार गए, अंगद भी नहीं जा पा रहा, करोड़ों बंदर खड़े, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं जा रहा हूं, मूंछ ऐसे करके सबको कहते हैं, सब इंतजार कर रहे, आ रहा हूं, बम पटाखा खरीद के रखना। एक एक को प्रणाम किया। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया है, अभिमान को मिटाया है, इसीलिए राम उनके भीतर पूर्णतः उतर गए हैं। जहां अभिमान मिटा वहां राम की कृपा उतरती है। प्रणाम करके गए, रास्ते में रोका किसने, उसके पहले भी बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। उनको अपनी साधना का, अपने बल का घमंड नहीं है। बार बार रघुबीर संभारी, हनुमान जी कहते हैं बार बार उनका स्मरण कर रहे हैं, रघुनाथ रघुनाथ रघुबीर रघुबीर रघुबीर, मैं तो बंदर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, हे रघुनाथ हे रघुनाथ हे रघुबीर हे रघुबीर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। कौन है जब तुम अपने शांति के मिशन पर जाओगे, आनंद के मिशन पे जाओगे, प्रेम के मिशन पे जाओगे, जीवन के मिशन पे जाओगे। सीता की खोज शांति की खोज है, सीता की खोज भक्ति की खोज है, और भक्ति का आसन है, भक्ति का वाहन है, जैसे लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, भोलेनाथ का वाहन नंदी, गरुड़ है भगवान विष्णु के, वैसे ही भक्ति माता के वाहन कौन है, दैन्यता अभिमान शून्यता। जिसके जीवन में दैन्यता और अभिमान शून्यता है, भक्ति उन्हीं पे सवारी करती है। और याद रख लेना, भक्ति के बिना राम नहीं मिलते। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर कृष्णदेव भक्तैर भक्त जनप्रिय। आई एम ऑल माइटी, मैं सर्वशक्तिमान हूं। फिर लोगों ने पूछा, किसी के अधीन भी हो, भगवान तो हो, किसी के अधीन भी हो? बोला हां, एक के अधीन तो हूं। बोला बता दो फिर, छाती ठोके जा रहे हो, मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमान हूं। किसके अधीन हो? बोला अहम भक्त पराधीन हो। भगवान कह रहे मैं भी अधीन हूं, बस भक्तों के अधीन। अच्छा, ये भक्ति मिलती कैसी है? कहा अभिमान शून्यता से मिलती है, दैन्यता के आसन पर बैठती है। क्या आपने दैन्यता का आसन लगाया है? क्या आपने अभिमान अहंकार शून्यता के आसन बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, तो कैसे भक्ति आएगी आपके जीवन में? और भक्ति नहीं आएगी तो राम आपके अधीन कैसे होंगे? और राम जिनके जीवन में नहीं है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा, लाइव तो छोड़ दो, ऐसे तो छोड़ दो, सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। देखो सीरीज सीरीज जोड़ो, सीरीज सीरीज सीरीज, प्लीज प्लीज सीरीज। हमें चाहिए भक्ति, क्यों? भक्ति से मिलते हैं भगवान। भगवान कौन है? ही इज ऑल माइटी। ये सारी दुनिया, ये तीनों लोक उनका है। दुनिया बड़ा या दुनिया बनाने वाला बड़ा? दुनिया बनाने वाला बड़ा। अगर दुनिया बनाने वाला बड़ा हमारा हो गया तो बोलो। मुझे इस प्रदेश में कहीं जाना हो, कहीं कोई काम हो इस झारखंड प्रदेश में, और हमें और सभी से परिचय है, कार्यकर्ताओं से भी परिचय है, पर हमको दीपक प्रकाश जी बहुत प्यार करते, बहुत प्रेम करते, और हमको किसी भी जिले में जाना हो तो 100-200 लोग हमारे लिए खड़े रहेंगे कि नहीं, ये गुरु जी जा रहे हैं जरा देखना, व्यवस्था करना। तो भक्ति के अधीन भगवान, भगवान का पूरा साम्राज्य, सुख दुख सब उनके अधीन है, और हम छोटी छोटी चीजों का डिमांड कर रहे हैं भगवान के सामने। भक्ति नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे। शिवजी पे भी जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं इसका विवाह हो जाए बेटी का,
वो मांगने की क्या जरूरत है तुम्हें? एक बार शिवजी के पास जाकर के कह दो कि मैं आई हूं। बोला किस लिए? आपको जल देने, आपको प्रेम करने। हे भोलेनाथ, आपने सबके मंगल के लिए विषपान किया था ना, मैं बहुत रोती हूं आपके लिए कि मेरे भोलेनाथ कैसे हैं कि सबके मंगल के लिए उन्होंने विष पी लिया। तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी भीख मांगों की तरह? पहचान लो, इसके शादी के लिए जल ढलवा रही हूं। तो भगवान भी कहते हैं कि हमारी खोपड़ी से निकला गंगा जल हमारे ऊपर क्या डाल रहा है, जा। हमारी जटाओं से निकली गंगा हमारे ऊपर दे करके ध्वंस दिखा रहा है हमारे ऊपर, माल भी हमारा। पर आंखों में अश्रु लेकर खड़े हो जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।